सस्कटून में और आए हैं दुबई छोड़ के। नेशनैलिटी, योर ओन कंट्री, एवरीथिंग दुबई में, ये चीजें नहीं थी। यहाँ पे रुकते हैं, अगले साल तक नहीं रुकते, कहीं और जाते हैं, वापस टोरंटो जाते हैं। सुबह सुबह मुझे मैसेज आ गया था, मैं कांग्रेचुलेशंस। सुबह मुझे मैसेज आ गया था भाई अमेजोन वालों का कि आपका पार्सल डिलीवर कर दिया है। भाई देखते हैं कि ये पार्सल आ गया है कि नहीं आया है, क्या है। लॉक खोल लो। हाँ भाई पार्सल तो आ गया है। ये एक चीज है, दूसरी चीज है और ये डब्बा है। यही चीजें मैंने ऑर्डर की थी और ये सब चीजें जो है वो आ गई और बड़ा जल्दी आ गया है। चलो इसको उठाते हैं और निकलते हैं। बड़ी सर्दी हो रही है, देखो भाई बर्फ पड़ी हुई है। ये देखो भाई बर्फ पड़ी हुई है नीचे, हर जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। भाई चलो आ जाओ, उठाओ भाई डब्बे को, आ जाओ भाई आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम खवातीन और हजरात, और वेरी वेरी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई गेम कुछ इस तरह है कि अब गेम चेंज होने वाले हैं, और वो इसलिए क्योंकि अब कनाडा में आ रहा है जबरदस्त किस्म का विंटर। और उससे पहले हमने एक तैयारी शुरू कर दी थी जिसका नाम था भाई का पॉडकास्ट। वो चैनल जो है वो सिर्फ पॉडकास्ट के बारे में है और दूसरी ज्ञानबाजियों के बारे में है। anyway, तो आज हमने मंगवाया है भाई ये काफी चीजें, इसका माइक मंगवाया है हमने और कुछ यूएसबी पोर्ट्स मंगवाए हैं, ये वो। तो आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो इसको कर देते हैं भाई हम लोग साइड में। तो सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पॉडकास्ट के लिए ऑर्डर की है भाई, वो ये है। दो चीजें, तीन चार चीजें मैंने ऑर्डर की हैं, ये देखो भाई। सेटअप बन गया ना जबरदस्त वाला। हाँ सही है भाई, इसको मूव भी कर सकते हैं क्या? हाँ मूव करते हैं, ऊपर नीचे। हाँ ये ऊपर नीचे भी कर लिया था यार। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हाँ भाई, तो बैठ के मैं जो है वो आपको ज्ञान बाती दूंगी। हम तो दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, तुम हमें ज्ञान बांटोगे? रुको जरा, सबर करो, अभी माइक आ गया तो आप तो खुला हाथ। वैसे ये माइक का जो है गुजरा वो अच्छा लगता है ना। हाँ लेकिन उधर से आप एक नॉर्मल टोन में और अपने डिस्टेंस के साथ बोलते हो, जो क्लियर डिस्टेंस होता है। ज्यादातर लोगों का स्ट्रेट ही होता है, मगर आप अपने हिसाब से मूव कर लो उसको, मतलब देख लेंगे। हाँ कभी कभी ऐसा होता है आवाज भी स्लो है, बिल्कुल फ्रंट होना चाहिए। फ्रंट होना चाहिए, जितना ज्यादा फ्रंट होगा ना उतना ज्यादा बेहतर क्रिस्प आवाज आएगी। और वो पॉडकास्ट का मजा ही जो है वो थोड़ा माइक दिखाने में और क्रिस्प आवाज में होता है। एग्जैक्टली इस तरह दिख रहा होता है ट्राइपॉड में, तो वैसे तो हम लोग माइक छुपा छुपा के रखते थे पहले तो, लेकिन अब जमाने बदल गए, अब जमाने चेंज हो गया। अगर जिनके मुंह से ज्यादा थूक निकलता है उसके लिए भी होता है कि भाई ये थोड़ा थूक को जो है ना फिल्टर आउट कर देता बेचारे को, दूसरे को माइक खराब ना हो ना उस चक्कर में। कोई ऐसे मेहमान बुला रहे हैं जिसके मुंह से ज्यादा थूक निकलता हूँ। भाई आज के दिन की जो दूसरी एक्टिविटी है यार वो बहुत ही बुरी है, क्योंकि मुझे वो काम इतना ज्यादा पसंद नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। बट ये आपको करना पड़ता है कनाडा में भाई लोग, अगर आप लोग आना है आप लोग जरूर आइए, मोस्ट वेलकम, वेलकम टू कनाडा। बट उसके साथ साथ आपको कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां भी मिलती हैं। बट ये है कि आप जब उस सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो वो आपको आदत होने लगती है चीजों की। इट्स नॉट अ बिग डील, और हमें भी आदत हो ही गई है, इतनी कोई बड़ी मसले की बात नहीं है। चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि कैलगरी के और भी बड़े जबरदस्त व्लॉग आने वाले हैं जिसमें आपको लाइफस्टाइल के बारे में कि कैलगरी कैसा है, क्या क्या चीजें यहाँ पे कर सकते हो और घूमने फिरने की क्या क्या जगहें होती हैं इवन विंटर्स के अंदर भी, तो वो सब चीजें इंशाल्लाह आपको आगे मिलेंगी। मेरा नाम है अशर, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, लोग लास्ट ईयर ही ओंटारियो से मूव हुए हैं, मतलब मिल्टन में रहा करते थे। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कैलगरी कैसा है, आगे चल के क्या होता है क्या नहीं होता, यहाँ पे रुकते हैं अगले साल तक नहीं रुकते, कहीं और जाते हैं, वापस टोरंटो जाते हैं, ये सब कुछ इंशाल्लाह आगे चल के ही मालूम होगा। किसी भी जगह को मेरे हिसाब से जो है वो थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए समझने के लिए, वहाँ के सिस्टम को समझने के लिए, शहर को समझने के लिए, वहाँ की चीजों को समझने के लिए, वहाँ के लोगों को समझने के लिए, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए, यही हम टाइम दे रहे हैं इंशाल्लाह। और आगे चल के देखेंगे कि अल्लाह मालिक है, वो हमें किस्मत कहाँ लेके जाती है, अल्लाह ताला ने हमारे रिस्क और रोटी नसीब में कहाँ लिखी हुई है, ये आगे ही पता चलेगा। ये जितने डब्बे आए थे ना, लिटरली मैंने अभी तक वो डब्बे इंटैक्ट करके रखे हुए हैं कि देखो आगे का क्या प्लान रहता है क्या नहीं रहता। बट ये कि हमारे पास डब्बे शब्बे तो होंगे, तो अगर कहीं आगे कुछ ऊपर नीचे होता है ये
घर छोड़ते हैं या कहीं और मूव करते हैं या कुछ भी करते हैं, भाई जाहिर आपको पता है किराए के घरों में तो ये सब मंजन चलते ही रहते हैं, तो ये डब्बे हमारे काम में रहेंगे। टीवी का डब्बा भी मैंने अभी तक ऐसे इंटैक्ट रखा हुआ है जब से मैंने उन टैगियों से खरीदा था। मेरी आदत है मतलब डब्बों को साफ सुथरा रखने की, इनकेस कोई जरूरत पड़ जाए कुछ भी हो तो डब्बे आपके पास होने चाहिए। भाई यहाँ पे बेगम बना रही है फ्रेंच फ्राइज, और ये इसमें कुछ मसाला वसाला लगाती हो आप अपना क्या करती हो? नहीं, कॉर्नफ्लोर बस लगा के अपने खुद ही आलू वालू काट के सही से काटती हो? नहीं काटती हो? हाँ, तो ये खुद ही ऑर्गेनिक आलू है, हमने मतलब खरीदे हुए नहीं है, जैसे पहले हम फ्रोजन खरीद रहे थे, अब वो हमें काफी सस्ती डील मिल गई थी तो उस चक्कर में हमने ये आलू खुद ही काटती है सना, और उसके ऊपर ये मिर्च मसाला लगा के मतलब अपना कॉर्नफ्लोर वगैरह लगा के, और फिर बच्चों को आराम से बना के दे देती है क्योंकि ये तो हर वक्त की जरूरत होती है। मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग को बचपन याद आ गया ना, वो फ्रेश फ्राइज वगैरह कुछ प्रिजर्व का ऐसा जमाना नहीं था, तो फिर हम लोग ऐसे तो करते। हाँ सही बात है, मतलब हमारी अम्माएं भी सब ऐसे ही करती थी कि भाई जब आलू लेकर आते थे और आलू काटते थे खुद से ही और खुद से बना के देते थे, और फिर फ्रोजन का उस वक्त तो दौर नहीं था, ना प्रिजर्वेटिव होते थे ना वो रखे हुए टमाटर के सॉस होते थे जो केन्स होते थे, हमने वो एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में काफी इस्तेमाल किए, मगर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी थी उसमें, तो मुझे फिर डॉक्टर ने बोला कि आप कोशिश करो जो प्रिजर्वेटिव होते हैं या डब्बे जो होते हैं जो मतलब वो मत खाया करो, एसिडिटी होती थी मुझे। हाँ तो मुझे डॉक्टर ने ये बोला, उसके बाद से फिर हमने खाना ही छोड़ दिया वो सारी चीजें। पहले हम लोग बहुत बिजी हुआ करते थे उस वक्त और टाइम नहीं होता था कि भाई चीजें करें, और पता भी नहीं होता था, बहुत नए नए थे, शुरू की बात है ऑस्ट्रेलिया में। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजें फिर पता चलनी शुरू हुई कि भाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कहाँ से सस्ते मिलते हैं, बड़ी सुपर मार्केट हो गई, जैसे यहाँ पे वॉलमार्ट है कनाडा के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसी तरह वहां पे एक सुपर मार्केट होती थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी में जिसका नाम होता था वुलवर्थ्स, और वो थोड़ी महंगी होती थी, और उसकी जो छोटी बहन होती थी एलडी होता था, और एलडी अमेरिका के अंदर भी है और यूके के अंदर भी है, मैंने काफी जगह देखा है लोगों के व्लॉग्स के अंदर, बट कनाडा के अंदर नहीं है, आई थिंक वो काफी चीप है, तो ये सब चीजें होती थी। मगर वॉलमार्ट ऑब्वियसली उनका सबका मिक्सचर है, बाप है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाता है आपको, वहां पे आपको ग्रोसरी भी मिल जाती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी मिल जाती है, बट ये कि हमें अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वहां से लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास भाई अब बहुत सारे और भी ऑप्शंस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सब बंधन भी खत्म हो गया। ऑप्शन ये है कि हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी तो ऊपर लिंक दे देंगे, तो वहाँ पे हमें बड़ी सस्ती सब्जी और फल मिल जाता है, तो ऐसा होता है कि लाइक गाड़ी होना बहुत जरूरी है, इधर उधर से जो है कहीं ना कहीं सस्ती सामान मिल जाता है, तो बजट जो होता है ना अपना मतलब उसको रखने के लिए सही मैनेज रखने के लिए कम पैसों में ज्यादा सामान लाने के लिए जो है ना मतलब अच्छा रहता है कि आप अलग अलग जगह जाके थोड़ा चेक कर लो, तो हम लोग वो कर लेते हैं। आप ये देखो अली क्या हरकत कर रहा है, अली बस 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 इसकी ऐसी ऐसी शरारतें शुरू हो गई है ना, ये मतलब कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। को अलग जो है वो हम लोग रखते हैं, और ये भाई ये किचन में यहाँ ना आए वहाँ ना जाए, मगर ये कि ये हर साहब हर जगह ही घुस जाते हैं। लेकिन वैसे बात हो रही थी अभी जो प्रिजर्वेटिव की, तो मैं ये बताने वाली थी कि जो प्रॉब्लम्स हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है ना वो प्रिजर्वेटिव से बहुत ज्यादा होती है। ये बार बार मुझे कंसर्न होता है, जैसे हर रोज बच्चे बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज खिलाएं, तो जैसे ही मतलब मैं पैकेट की निकालती थी हमेशा ही ख्याल आता था कि यार काश ऑर्गेनिक पोटैटोज जो होते हैं वो इतने सस्ते हों कि मैं मतलब आराम से ये दे दूं, जबकि हम घर पे हैं, स्पेशली मैं घर पे हूँ, तो वाई नॉट बच्चों के लिए जो है वो ज्यादा बेहतर सेहतमंद चीज हो जाए, तो इसलिए आलू बना। प्यारे प्यारे पेड़ लग रहे हैं उनके ऊपर, मतलब बिल्कुल खाली पेड़ है ऑब्वियसली, उनके ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, मगर बड़ी खूबसूरत लग रहा होता है, शुरू शुरू में तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, स्पेशली जब नई नई बर्फ पड़ी हुई होती है तो। भाई लोग हम लोग पहुंच गए हैं अभी क्रॉस आयरन मिल्स पे, और यहाँ पे देखो खूब ट्रैफिक हो रहा है, काफी लोग आए हुए हैं, रात के 9 बजे तक ये मॉल खुला हुआ है, ठीक है। तो गाइस आज हम लोग आए हुए हैं शॉपिंग मॉल, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की ना 900वीं इस वक्त आई थिंक अटेम्प्ट है मोबाइल लेने की। तारीख मिलती रही है। आईफोन 15 प्रो मैक्स लेने के चक्कर में थे, काफी टाइम से शॉपिंग मॉल में आ रहे थे बट मिल नहीं रहा था फॉर अ लॉट ऑफ रीजन, वो क्या रीजन से वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आज मिल जाता है तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे, मैं तो कहूंगी कि भाई यशर आज ट्रीट दे दें। तुम्हें क्या लगता है आज अब्बा को मोबाइल मिलेगा? नहीं लग तो रहा है कुछ, देखो क्या रहता है। तुम्हें क्या लगता है अब्बा को मोबाइल मिलेगा? रुको जरा सब्र करो, आराम से लेने का जी मिल जाएगा, पक्की बात है। अगर मिल गया तो फिर क्या खाएंगे?
ट्रीट मिलेगी ना? अगर मिल गया ना मोबाइल तो अब कुछ खाने को खिलाएंगे, ट्रीट मिलेगी बाहर। आज मैं घर पे खाना नहीं बनाऊंगी अगर मोबाइल दिया तो, समझे? हाँ यार, भूख तो हम बाहर खा लेंगे ना, फिर हम घर पे नहीं खाएंगे ना, समझे तीताली? अभी अली तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, अब्बा को मोबाइल मिलेगा क्या? है ब्लिंक किया है यानी कि मिलेगा मोबाइल इंशाल्लाह। भाई हिसाब किताब तो चल रहा है, इस दफा लगता है कि मोबाइल मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि भाई बॉक्सिंग वीक की ऑफर आई हुई है और काफी कम जो है वो पैसों में, लाइक प्राइस एकदम ड्रॉप हुई है, उसकी वजह से अशर ने डिसाइड किया कि भाई आज हम ले ही लें। No, I'm gonna. I want my wife to be open the phone. We have got the phone. Finally, can you please open for me? Big thumbs up. The big thumbs up with the big thumbs up. I will get in return like some after that. Line out. Yeah. From here. Thank you so much. Okay, and then my girlfriend. iPhone 11, 12, 14. Trust me, I was struggling with that iPhone because I'm lucky to have this kind of phone. Yeah, no, usually this one's the ones that sell out the fastest. Yeah. But we racked up on our money for just for this occasion, just because of the mark. Thank you so much. Thank you so much. Oh, and the paper. The paper like this. Good job. Yeah. You can get. गिफ्ट फॉर यू गाइस। थैंक यू। चलो ले लो, अच्छा गिफ्ट मिल गया भाई, जबरदस्त, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन। हैविंग आईफोन 15 प्रो मैक्स। ये बताएं। लॉन्ग टाइम क्यों हो गया था? यार लॉन्ग टाइम इसलिए हो गया था क्यों मैं जो है ना बड़ा बनिया हूँ, मतलब मेमन जिसको कहते हैं, तो वो क्या होता है अपने पैसे बचाते हैं। तो जब मैं आईफोन की उस पर निकला खोज में, तो पहले ब्लैक फ्राइडे आया, उसकी डील मिल रही थी $89 की। तो मगर कलर ये नहीं था, नेशनल टाइटेनियम मुझे चाहिए था। मतलब अगर नया आईफोन 15 प्रो मैक्स लेना है और नेशनल टाइटेनियम नहीं लिया तो भाई आपने लिया क्या ये कलर। तो गेम ये था कि वो $89 में मिल रहा था। अब जब बॉक्सिंग डे की डील आई, मुझे आइडिया था कि ये गेम होगा, तो मैं घूमता रहा कभी ईशान भाई के साथ, कभी सेना के साथ, कभी बच्चों के साथ, चलता रहा, एक सिस्टम चलता रहा। बीच में जो है वो डील बढ़ गई, मतलब $100 की हो गई। अब होते होते बॉक्सिंग डे की जब बॉक्सिंग डे की डील आई तो वो $83 की हो गई, मतलब $39 का फोन है और $43 का कम से कम प्लान है। तो होते होते $84 की डील बन गई मुझे फोन के साथ, और क्या चाहिए भैया। सही है, $84 तो बहुत। 84 में आईफोन 15 $84 में, $83 में आईफोन 15 प्रो मैक्स 256 GB विद 60 GB प्लान कनाडा और यूएस में भी। आप अगर मैं यूएस जाऊंगा तो ये चलेगा भैया? सही है भाई, जबरदस्त है। यूएस में तो अभी जब इस प्लान बनाए ना बनाए, ये गलत बात है, मगर आईफोन 15 इज अ न्यू बिग एडिशन टू आवर होम माशाल्लाह एंड टू आवर फैमिली। तो भाई अब हम इससे ब्लॉगिंग किया करेंगे और साथ में 13 प्रो मैक्स तुम्हारे पास आ जाएगा। आपने मेन बात नहीं की है, क्या मेन बात ये है कि मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा 13 प्रो मैक्स, जो इस वक्त मेरा वाला मोबाइल है वो तुम्हारा अपग्रेड हो जाएगा, मैंने बोला था ना। और मुझे लगता है कि अयान को भी कुछ मिलेगा। अयान तुम्हें क्या मिलने वाला है? मेरा मोबाइल मिलेगा। अयान को मेरा मोबाइल मिलने वाला है, मुझे लगता है वाला। वो आईपैड सेफ इस्तेमाल कर लेगा। अयान तुम्हें चाहिए वो मोबाइल या फिर सेफ तुम्हें चाहिए वो मोबाइल? मेरा मोबाइल तुम्हें चाहिए या फिर मैं अयान भाई को दे दूं? अयान भाई को दे सकते हैं, सोचो सोचो, बड़ा हो रहा है ये, क्या अयान को दे सकते हैं, उसमें सिम डलवा के मिलेगा। लैपटॉप दे दूंगा मैं तुम्हें, ये तुम्हें मिलेगा। तुम्हें से लैपटॉप दोगे और तुम मोबाइल लोगे? वे नहीं सैफी, तुम्हें लैपटॉप चाहिए? आईपैड। आईपैड तुम्हें क्या चाहिए? आईपैड दिलवा देंगे। आईपॉड दिलवाएंगे? आईपैड दिलवा देंगे, बॉक्सिंग डे के ऊपर आ गई,
तो फिर देखते हैं उसमें क्या गेम बन पाता है। आई थिंक सैफ को आईपैड मिलवा। चलो ऐसा कर लेते हैं कि हम आईपैड जो है वो सैफ को दिलवा देंगे, हम खुद ले लेंगे आईफोन 15 प्रो मैक्स, मेरे पास आएगा 13। नहीं फ्रीडम सही है, मैंने ओवरऑल कैनेडा में इस्तेमाल किया, मतलब बीच में आया हूँ तो एक टाइम पे ऐसा था कि मैं फ्रीडम को बोल रहा था कि सही नहीं नेटवर्क नहीं है, तो उसमें ये था कि जो एक वो होता है रोमिंग का जो बटन होता है वो ऑफ था, मगर जैसे ही मैंने ऑन किया तो वो बिल्कुल सब सही चल गया था वहाँ पे। भाई मेरे से ज्यादा किसको पता होगा क्योंकि मैं ओंटेरियो से लेके कैनेडा, मतलब ओंटेरियो से लेके कैलगरी बाय रोड आया हूँ 3500 किलोमीटर की ड्राइव करके, तो भाई मेरे से ज्यादा किसको पता होगा। ऑब्वियसली 6 भी सही है वैसे, थोड़ा छोटा है मगर इसका अली का पंजा बड़ा है, अली का पंजा बड़ा है। हाँ तो 4 तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ये ना हो कि वो एक महीने बाद वाकई में छोटा हो जाए। हम अभी अभी अली के शूज लेके निमटे हैं, वो इतने क्यूट लग रहे थे, हमने व्हाइट कलर के भी शूज लिए आप लोग देख सकते हैं, और बिल्कुल सही साइज इसका मिल गया, एक्चुअली थोड़ा बड़ा एक दो साइज बड़े ही लिए हैं भाई। हाँ भाई भाई पूरी पूमा फैमिली हो चुकी है माशाल्लाह से, तो शॉपिंग वॉपिंग हो गई है, डन अब हम चलते हैं घर। हम लोग अभी यहाँ पे आए हुए थे क्रॉस आयरन मिल्स में, तो आप लोगों ने देखा व्लॉग तो एंड हो गया है, लेकिन हमें मिल गए एंड होते होते यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स महबूब भाई। ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, लाहौर से बिलोंग करते हैं, महबूब भाई और नरगिस, और ये लोग आए हैं 4 साल पहले सस्कटून में, और आए हैं दुबई छोड़ के। दुबई छोड़ के मतलब सस्कटून में आना आपको कैसा लगा, मतलब शुरू में क्या चैलेंजेस आया? दुबई की लाइफ तो जाहिर है कंपेयर करेंगे सस्कटून से तो इट्स लाइक सस्कटून इज लाइक अ विलेज। ओके, और दुबई जाहिर है दुबई तो फिर दुबई है, दुबई है। There are some positive things also that you have your own house, you have your own nationality, your own country, everything. दुबई में ये चीजें नहीं थी। Exactly. There you are on visa always. वो आप मतलब वो लाइफ एक टाइम तक ही इंजॉय कर सकते थे, और उसके बाद फिर आपको अल्टीमेटली एक सेपरेट अलग अलग होना पड़ता माँ बाप को बच्चों को, तो फिर आपने ये चूज किया कि यार कनाडा में सब एक साथ मिलकर रहते हैं। हाँ तो दुबई से भी हमें कहीं ना कहीं जाना ही था, पाकिस्तान जाना था या कहीं और, तो अब हमारा इधर का लग गया टिकट इधर का। माशाल्लाह से अल्लाह ताला जहाँ पे इंसान को ले जाए नसीब होता है, और आप लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला किया, आप दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा फैसला किया, और सही टाइम पे आप लोग कनाडा आ गए, और उसमें वहाँ पे आप ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं दुबई में रहने वालों को पता होता जब तक वो ज्यादा अरसा नहीं रहते, क्योंकि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ज्यादा आप बोल नहीं सकते, ज्यादा आप पोस्ट नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज है कोई आपने देख ली है जैसे यहाँ पे, तो आप जो है वो गवर्नमेंट में अगर इवन प्राइम मिनिस्टर भी जा रहा होगा तो आप उसको पूछ सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। सही बात है, दैट्स अ बिग डिफरेंस सो मेनी। एग्जैक्टली, सो मच कैलगरी में है, मेरी मिलते हैं इंशाल्लाह। जब मुलाकात इनसे हुई तो इन्होंने बताया कि सस्कैटून से आए हैं, और फिर यहाँ पे कैलगरी में 1 साल हुआ है आपको? 1 साल हो गया। तो अच्छा लगे आप लोग कैलगरी? बहुत अच्छा। सस्कटून आप लोग मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा। तो भाई जो सस्कटून से देखते होंगे वो इन लोगों को जरूर पहचान जाएंगे माशाल्लाह से, उनको बहुत मिस करते हैं, जो भी आता हमें मिलके जाता है, और हम भी जाना चाहते हैं वहाँ पे मिलना अपनी फ्रेंड्स वगैरह। हाँ सही। ना जो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है सस्कटून को, सस्कैचुअन को लेके, वो कैसा? बहुत अच्छा। अच्छा रहा वहाँ हम जब गए तो 2020 स्टार्ट हो गया, 2019 में गए थे, तो उसके बाद कोविड के जो हमने वहाँ एंजॉय किया, क्योंकि वहाँ की जो नेचर है तो वहाँ इतना एग्रीकल्चर है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड है। हाँ, जी सही काफी मैंने देखा था, वो लोग दालें प्रोड्यूस करते हैं, वीट आई थिंक प्रोड्यूस करते हैं, तो हम रोज निकल जाते थे वो रिवर पे ना, तो फ्रंटो में जैसे बाकी सिटीज में सब स्टक होके रह गए थे, तो हमारा ऐसा नहीं था, तो हम कहते थे हम नेचुरल ब्यूटी को जो आप एंजॉय करते थे, और वहाँ पे लेक्स का कल्चर बहुत है। ओके, बोट्स एंड लेक्स, एग्रीकल्चर है, तो गर्मियों में बड़ी अच्छी गुजरती है, लेक्स के सारे लोग वहाँ कंटिन्यूसली माइनस रहता है, तो जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है, सब टाइम 6 मंथ्स आपने मतलब आप पॉजिटिव नहीं देख सकते, मेल्ट नहीं हो, तो इधर क्योंकि यहाँ अप एंड डाउन मैंने देखा है काफी रहता है, 1 वीक में ये पॉजिटिव में चला जाता है, तो जिसकी वजह से मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ अब मुझे लगता है कि मैं सही जगह पे आ गया। लास्ट टाइम क्योंकि हम लोग टोरंटो के अंदर थे तो वहाँ पे हम लोग मगर बगैर ग्लव्स के नहीं घूम सकते थे, इस टाइम पे भी इवन दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा स्नो स्टॉर्म आते थे, यहाँ पे मैंने देखा है अभी भी गुजारा हो रहा है ग्लव्स के बगैर, ऐसी है। बाकी मर्जी भी होती है, थोड़ा बंदा अपनी केयर करने के लिए पहन लेता है, इट्स अप टू यू। तो थैंक यू सो मच, महबूब भाई हैं ये, और ये है नरगिस, थैंक यू सो मच, आप लोग जो है वो फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, थैंक यू सो मच, इसके लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।